हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर टू के हैं, ओके, सेमेस्टर टू के हमारे जितने भी स्टूडेंट 23-27 सेशन वाले हैं, आप सभी को बता दें कि सबसे पहले जो जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे MGC में, MIC, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा हो गया आपको मल्टी डिसप्लिनरी MDC, जिसको हम लोग बोलते हैं IDC भी, ओके, उसके बाद हमारा SEC, VAC, एक बार सबको देख लेते हैं। मेजर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला जो है मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, MDC में हो गया आपको मॉनेटरी थ्योरीज वाला, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, SEC में आपको हो गया बिजनेस, जो चेंज होकर आप जो है हो गया आपको बिजनेस बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, क्या हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन, और VAC में है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है। तो ये सारे आपको सब्जेक्ट हो गए जो पहले क्लियर कर रखे थे। तो अभी जो है MIC का कुछ टॉपिक यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का जो भी यूनिवर्सिटी से आप लोग, कुछ टॉपिक का जो है हम नोट्स है कॉपी में, तो आपको इंग्लिश में जो है आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का, फिर कम्युनिकेशन का, फिर एडवर्टाइजिंग कॉपी, ठीक है। बहुत इजी वे में जो है डेफिनेशन बताएंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बजट का, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको आएंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, मेरिट्स ऑफ ऑनलाइन मीडिया का, और टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया का, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी वे में जो है आपको हम बता देंगे। तो सबसे पहले आपको जो है तो हेलो दोस्तों, देखिए जो है आप कॉपी पे हम आ गए हुए हैं, और अभी जो है आपको एडवर्टाइजिंग मीडिया के बारे में, सॉरी एडवर्टाइजिंग अपील के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है, याद हो जाएगा, और ये जो है ना शॉर्ट डेफिनेशन से आप उसे क्या करिएगा, लॉन्ग जो है समझा कर उसे बता भी सकते हैं एग्ज़ाम में। तो क्या है, अपील इज़ नथिंग बट द इनकरेजमेंट बाय एडवर्टाइजर टू पीपुल सो डैट दे शुड बाई हीज हर प्रोडक्ट और ब्रांड्स। ये एडवर्टाइजिंग अपील एक तरीके की क्या है, कुछ नहीं है, बट एक तरीके का साहसपूर्ण जो है इनकरेजमेंट एडवर्टाइजर के द्वारा है, जो बेचता है सामान कस्टमर को, टू पीपुल सो डैट दे शुड बाय, जो इनको खरीदते हैं, हीज हर, या वो बॉयज भी हो सकते हैं और मैन वोमेन दोनों हो सकते हैं, जो प्रोडक्ट और ब्रांड्स खरीदते हैं, ओके। और एक फिलोसफर है सैंडेज एंड फ्राईबर्गर, उनके द्वारा डेफिनेशन दिया गया यहाँ पे, द फॉर्म ऑफ द स्टिमुलेश यूज बाय द एडवर्टाइजर इज जनरली रेफर्ड एज एडवर्टाइजिंग अपील, ओके, ठीक है। तो ये हमारा एडवर्टाइजिंग अपील का डेफिनेशन था। नेक्स्ट जो है आपको एडवर्टाइजिंग अपील हो गई, नेक्स्ट जो है आपको कम्युनिकेशन है। तो चलिए कम्युनिकेशन को देखते हैं, आइए कम्युनिकेशन को देखते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज टू ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इन सच ए वे डैट ही अंडरस्टैंड द सेम मीनिंग आउट ऑफ इट, ओके। कम्युनिकेशन क्या है, तरीके से वन और टू पर्सन का जो है आपस में जो बात करते हैं वो जो अंडरस्टैंड करेंगे वही तो है। तो इजी वे में यहाँ डेफिनेशन है, इसको आप एग्जाम में लॉन्ग टाइप करके लिख सकते हो। कम्युनिकेशन जो है एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन डिलीवर करने का, ठीक है, आइडियाज पर्सन को देने का या ग्रुप ऑफ पर्सन को, इस तरीके से जो उनको समझ में आवे, ओके। तो देखिए ये है एक तरीके का ग्राफ है, कम्युनिकेटर से रिसीवर के पास गया, रिसीवर से आपको फीडबैक मिला, ठीक है, आइडिया इन्फॉर्मेशन यहीं से आती है, और फीडबैक मिला, फीडबैक फिर कम्युनिकेटर, ठीक है। तो देखिए कम्युनिकेटर जो होता है पर्सन होता है जो डिलीवर करता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, आइडिया को, उसको हम लोग कम्युनिकेटर बोलते हैं। और आइडिया ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है वो सब्जेक्ट कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन का आइडिया कहलाता है, ठीक है। रिसीवर जो होता है सेकेंड पर्सन होता है ग्रुप ऑफ पर्सन का होम द आइडिया और इन्फॉर्मेशन इज डिलीवर इज कॉल्ड रिसीवर, ठीक है, जिसको जो है दिया जाता है इन्फॉर्मेशन वो रिसीव करता है, ओके। फीडबैक यहाँ पे जो है आपको वो होता है जो रिसीवर जो है सेंड करता है इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेटर को, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेटर को, डैट ही हैज़ अंडरस्टूड द सेम मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन और डिजायर बाय द कम्युनिकेटर। रिसीवर से जो फीडबैक मिलती है वही है एडवर्टाइजिंग अपील। नेक्स्ट जो है उसके बाद है एडवर्टाइजिंग कॉपी। चलिए एडवर्टाइजिंग कॉपी को देख लेते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन है ना, आपको एग्ज़ाम आ रही है तो सोच रहे हैं अभी जो वीडियो में को कुछ जो है टॉपिक को क्लियर कर दे, जिससे आप जो है लॉन्ग बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तो देखिए
एडवर्टाइजिंग जो कॉपी होती है हमारी वो रिटन और ओरल कंटेंट्स होती है डैट आर गिवेन फॉर एडवर्टाइजमेंट। इट इंक्लूड्स हेडिंग कंटेंट, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, एडवर्टाइजर नेम एंड सिग्नेचर। एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या होती है? रिटन और ओरल कंटेंट होती है जो कि हमको एडवर्टाइजिंग के लिए देती है, ठीक है। इट इंक्लूड्स हेडिंग, जैसे ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, एडवर्टाइजर नेम, ये सब होता है ना, तो ये हमारा एडवर्टाइजिंग कॉपी के अंदर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देख लेते हैं, ठीक। ये रहा हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, शॉर्ट डेफिनेशन है। द फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विच आर इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज। फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग जो होता है एडवर्टाइजमेंट का वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे भी, जो कि इंट्रोडक्शन से हो सकता है, ग्रोथ से हो सकता है, मैच्योरिटी, ठीक है, और डिक्लाइन स्टेज पे हो सकता है। पहले उनका क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है कि बिजनेस में आया वो सामान, फिर धीरे धीरे जो ग्रोथ हुआ, पहले इंट्रोड्यूस हुआ, ग्रोथ हुआ, फिर उसके बाद मैच्योरिटी हुई, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे ढलता गया, मतलब डिक्लाइन स्टेज में, उठते उठते नीचे डाउन होता गया, डिक्लाइन स्टेज में पहुंच गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है, बहुत टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, बजट एडवर्टाइजिंग। बजट एडवर्टाइजिंग को देखते हैं। बजट एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइजिंग बजट हमारा टॉपिक आ गया। द सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, द बजट एलोकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट, द एडवर्टाइजमेंट बजट इज यूज, द एडवर्टाइजर मे गो फॉर टेलीविजन इफ द बजट इज स्मॉल, इन दैट केस ऑफ मे गो फॉर प्रिंट मीडिया सच ए न्यूज़ पेपर। इसका हिंदी बताते हैं, देखिए सिंपल समझिए कि एडवर्टाइजिंग बजट होता क्या। द सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, एडवर्टाइजिंग मीडिया का पहले सिलेक्शन करना, किस तरीके का आपको जो है एडवर्टाइजिंग कराना है, ठीक है। अगर आपका एडवर्टाइजिंग बजट जो है बड़ा है तो आप जाइएगा टेलीविज़न की तरफ, अगर यदि आपका जो बजट है वो छोटा है सा है तो आप प्रिंट मीडिया के थ्रू जाइएगा, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, पैम्पलेट, ये तो इस तरीके का, ठीक है, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। आई होप जो है आपको एडवर्टाइजिंग मीडिया बजट समझ में अच्छे तरीके से आएगा। अब है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जो है ना एक तरीके का जो छोटा सा झोल है वो बताते हैं। हाँ आइए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज बाय इंक्रीजिंग द सेल्स एंड द सेल्स वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज थ्रू गुड पब्लिक इमेज। देखिए प्रॉफिट जो होता है हमारा मैक्सिमाइज होता है कब, जब सेल जो है इंक्रीज होता है, और सेल का वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है कब, जब गुड पब्लिक इमेज होता है तब। विच कैन बी डन बाय फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमको फुलफिल करने पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है, बिजनेस के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में डन करता है, ठीक है, पूरा करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अपोजिट टुवर्ड्स, रैदर दीज आर कम्प्लीमेंट्री टुवर्ड्स। ये जो है दोनों एक अपोजिट टुवर्ड्स में आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ भी बताया गया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से गुड पब्लिक इमेज बनती है, उससे इंक्रीज होता है सेल, और उनसे जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है। ओके, यहाँ पे हो गया। अब है मेरिट्स ऑफ ऑनलाइन मीडिया। तो ऑनलाइन मीडिया का जो है मेरिट्स, देखिए मेरिट जो है ऑनलाइन मीडिया का, ये क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। दिस मीडिया इज लेस एक्सपेंसिव कंपेरिजन टू अदर एडवर्टाइजिंग, दूसरे एडवर्टाइजर के अलावा ये जो है बहुत जो है लेस एक्सपेंसिव होता है। ड्रामेटाइजेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ वीडियो ऑडियो इज पॉसिबल इन केस ऑफ ऑनलाइन मीडिया। ये जो है वीडियो ऑडियो ये पॉसिबल होता है ऑनलाइन मीडिया में, तो वही बताया गया ड्रामेटाइजेशन ऑफ मैसेज, मैसेज जो है अच्छी तरीके से ऑनलाइन मीडिया में होती है। टू वे कम्युनिकेशन इन दिस टाइप ऑफ मैस मीडिया द टारगेट ऑडियंस कैन कम्युनिकेट एंड गिव द फीडबैक टू एडवर्टाइजर, देयर फॉर टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एडवर्टाइजिंग ऑफ मीडिया का जो है टाइप बताना है, चलिए वो बता देते हैं। आइए यहाँ पे जो है आपको टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया आ गया है। कहा गया अंडर दिस मीडिया वॉट एवर अंडरस्टैंड एडवर्टाइजमेंट इज गिवेन थ्रू ऑनलाइन मोर कम्स, मीनिंग देयर बाई इट इज मीडिया थ्रू विच इंटरनेट बेस्ड प्रमोशनल कॉन्टेंट्स आर गिवेन अंडर दिस देयर आर सब।
छोड़िए वो, यहाँ पे जो है एक यर्न मीडिया होती है, ऑन एयर मीडिया होती है, पेड मीडिया होती है, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया होती है, प्रिंट मीडिया होती है और आउटडोर मीडिया होती है। बहुत तरह की मीडिया है, धीरे धीरे सबको जानते हैं। यर्न मीडिया अंदर क्या होता है, अंडर दिस द थर्ड पार्टी कॉन्टेंट आर यूज सच ए सोशल मीडिया। थर्ड पार्टी जो है यूज़ किया जाता है, जैसे कि सोशल मीडिया इसके अंदर, जिसको बोलते हैं अर्न मीडिया। ऑन एयर मीडिया है अंडर दिस मीडिया विच इज यर्न बाय द एडवर्टाइजर कम्स। ऑन एयर मीडिया वो होते हैं जब एडवर्टाइजर जो है आपको आते हैं, और वो एक तरीके का मीडिया है जो आप कमाते हैं। पेड मीडिया हुई अंडर दिस ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर विच द एडवर्टाइजर नीड्स टू मेक पेमेंट कम सच एज यूट्यूब। पेड मीडिया हुई जैसे आप थ्रू करवाते हैं, जैसे यूट्यूब के थ्रू, ठीक है, तो उसी के अंदर आता है। ब्रॉडकास्टिंग अंडर दिस सच मीडिया इन एडवर्टाइजिंग इन ब्रॉडकास्टेड कम सच, जैसे टेलीविजन रेडियो पे आप मीडिया पे जो है आप एडवर्टाइजिंग का करते हैं ब्रॉडकास्ट, तो उसके अंदर आते हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया। प्रिंट मीडिया अंडर द ऑल मीडिया इन विच एडवर्टाइजर कम इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर मैगजीन, ये सब प्रिंट मीडिया के थ्रू आते हैं। आउटडोर मीडिया अंडर दिस ऑल एडवर्टाइजर मीडिया इन विच प्रमोशनल कॉन्टेंट आर इनकाउंटर्ड बाय द पीपल आउटसाइड देयर कम, ठीक है, तो सच एज बिल बोर्ड फर्नीचर शेल्टर एंड ट्रांसमिट मीडिया रेलवे ऑटो रिक्शा टैक्सी सब पे नहीं, तो वो सब हो गया आपको आउटडोर मीडिया। ओके, तो ये इसका डेफिनेशन था, ठीक है। और धीरे धीरे जो है आपको हमने क्या करा, एडवर्टाइजिंग मीडिया कंप्लीट करा, कम्युनिकेशन ये सब जो है इससे आप इंक्रीज करके जो है आप धीरे धीरे जो है इसको आप डेफिनेशन को बड़ा भी लिख सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो आपको आज का जो टॉपिक था हमने क्लियर कराया एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का। अच्छे तरीके से जो है वीडियो को देखिए, समझ में आएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, इसलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।